तो क्या हाल चाल भाई लोग, मेरा नाम है इस्लान और आप देख रहे हैं लॉर्ड ऑफिशियल। तो आ चुका है तुम्हारा भाई वापस एक बार फिर 15 वैसी बेस्ट गेम्स लेकर जो है कि 2022 के अंदर बूम करने वाली है और बूम करेंगी भी और 2023 में भी बहुत ज़्यादा अच्छी रैंक करने वाली है। तो इस लिस्ट में जो 15 पोजीशन पे गेम आती है उसका नाम है गेम्स ऑफ थ्रोन, जिस गेम का साइज़ है 1 GB के आसपास है। बहुत अच्छी गेम यहाँ पे तुम लोग को प्रोवाइड की जाती है मोबाइल के अंदर। गेम्स ऑफ थ्रोन का तुम लोग ने नाम तो सुना होगा बहुत पहले ही, मतलब बहुत अच्छी खासी इस गेम की मूवीज़ वगैरह भी बनी है, बहुत अच्छी यहाँ पर मूवी देखने को मिली थी। ये गेम भी बहुत अच्छी है, तुम लोगों को डाउनलोड करना है तो भी बहुत अच्छी गेम है। 14 पोजीशन में जो कि मैंने गेम रखी है यहाँ पर उसका नाम है टेल्स नोयल, जिस गेम का साइज़ 1 GB के आसपास है। फिर से ये 1 GB के आसपास की गेम तुम लोगों को देखने को मिलती है। ये गेम बहुत तगड़ी है गाइज, अगर तुम लोगों को इसको ट्राई करना है ना तो फिर बहुत अच्छी गेम है। यहाँ पर तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम लोगों को लिंक देखने को मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। रुको यार तुम लोग थोड़ा, यहाँ पर बहुत अच्छी यहाँ पर तुम लोगों को गेम देखने को मिलती है, कैरेक्टर्स वगैरह तुम लोग देख सकते हो, थोड़ा सा RPG टाइप का देखने को मिलता है गेम। 13 पोजीशन पर जो गेम मैंने रखी है वो एनिमे गेम है ब्लैक क्लोवर मोबाइल, यहाँ पर गेम का नाम है। 5 GB के आसपास ये अराउंड होने वाली है गेम का साइज़। एनिमे के अंदर लिटरली ये गेम बहुत ज़्यादा बूम करने वाली है, ड्रैगन बॉल लेजेंड्स के बाद ये गेम बहुत अच्छी होने वाली है। ब्लैक क्लोवर मोबाइल का बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है एनिमे फैंस का, तो तुम लोगों को भी अगर ये गेम डाउनलोड करनी है तो फिर आने वाली है बस, तो डाउनलोड कर सकते हो, ये गेम लिटरली बूम करने वाली है यार। 12 पोजीशन पे जो मैंने गेम रखी है उसका नाम है बेस बॉल सुपर बेस बॉल, यहाँ पर बहुत अच्छी खासी गेम यहाँ पे तुम लोग को प्रोवाइड की जाती है बेस बॉल फैंस के लिए। 400 MB के अंदर बहुत अच्छी गेम यहाँ पे बनाई है लोगों ने, तुम लोगों को ट्राई करना है तो फिर ये ट्राई कर सकते हो। बेस बॉल क्रिकेट फैंस वगैरह के लिए बहुत अच्छा है यहाँ पर तुम लोग को गेम देखने को मिलता है। इन लोग बहुत अच्छी अच्छी गेम्स प्रोवाइड करते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो फिर अगर तुम लोगों को और भी स्पोर्ट्स की गेम डाउनलोड करना है तो फिर इन लोग के साइड से ये कंपनी से डाउनलोड कर सकते हो। गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करना सुपर बेसबॉल। 11 पोजीशन में जो मैंने गेम रखी है उसका नाम है फॉरलाइट 84। इस गेम के बारे में भी बहुत अच्छे खासे रिव्यूज़ निकल के आए हैं, पर इतनी कुछ खास गेम नहीं है, पर बहुत मज़ा आता है इस गेम को खेलने में। ये एपेक्स लेजेंड जब आ गई ना इसके वजह से यहाँ पर इस गेम का डाउनलोड थोड़े कम हो गए हैं, पर फिर भी ये गेम बहुत ज़्यादा अच्छी रैंक कर रही है। 900 MB के अराउंड 1 GB के अराउंड हो जाता है, फ्री फायर टाइप यहाँ पर तुम लोग को देखने को मिलता है, पर यहाँ पर इसकी ग्राफिक्स वगैरह तुम लोग देखोगे ना तो फ्री फायर से बहुत अच्छी दी गई है। फ्री फायर बहुत तगड़ी गेम है पर यहाँ पर ये गेम भी अलग टाइप की दी गई है, तो फिर ये भी डाउनलोड कर सकते हो। 10th पोजीशन में जो मैंने गेम रखी है उसका नाम है डेनेस्टी लेजेंड्स 2, तो यहाँ पर ये गेम भी थोड़ी सी RPG टाइप की है, तो तुम लोग अगर डाउनलोड करना है तो ये भी कर सकते हो। 3.7 GB के आसपास अराउंड साइज़ है इसका, GB बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, साइज़ बहुत ख़तरनाक है इस गेम का। तुम लोग अगर डाउनलोड करना है एरिना ऑफ वेलर टाइप का यहाँ पर तुम लोग को गेम देखने को मिलता है। एक और एक गेम यहाँ पर आगे मैं तुम लोग को बताऊँगा, वही एरिना ऑफ वेलर की तरह ही होगा, बहुत अच्छा गेम होगा। टेंसेंट ने बनाया है एरिना ऑफ वेलर, तो वो भी अच्छी गेम है। यहाँ पे 9th पोजीशन पे जो मैंने गेम रखी है उसका नाम है ट्रकर्स ऑफ यूरोप, 200 MB के अराउंड। यहाँ पर 3 पार्ट निकल गए हैं इसके, 3rd पार्ट फाइनली आ चुका है इस गेम का, बहुत अच्छी गेम यहाँ पर 2nd पार्ट में भी देखने को मिली थी, 3rd पार्ट में उससे ज़्यादा अच्छी गेम देखने को मिली है। बहुत अच्छी ग्राफिक्स यहाँ पर, डिटेलिंग वगैरह देख सकते हो तुम लोग गेम की। तुम लोगों को अगर ट्रक फैंस या फिर यहाँ पर सिमुलेशन गेम्स खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है तो फिर ये गेम ज़रूर ट्राई करना यार। 8th पोजीशन पर जो मैंने गेम रखी है उसका नाम है पॉपी प्ले टाइम। ये 8th पोजीशन डिजर्व नहीं करती है पर फिर भी खतरनाक है, मतलब इसके ऊपर वाली पोजीशन डिजर्व करती है ये गेम, पर फिर भी मैंने इसे हॉरर टाइप की गेम है इसलिए मैंने डाउन रखा है, पेड गेम है इसके वजह से मैंने 8th पोजीशन पे रखा है, नहीं तो फिर ये 1st या 2nd पे चला जाती है अचानक से। मतलब यहाँ पर बहुत अच्छी यहाँ पर तुम लोगों को गेम देखने को मिलती है। यूट्यूब पर इसका बहुत ज़्यादा बड़ा बोलते ना मास वाला एकदम बोलते पूरा व्यूवर्स बन चुके हैं इस गेम के, बहुत अच्छी पॉपुलर गेम हो चुकी है ये। 7th पोजीशन पे जो मैंने गेम रखी है उसका नाम है UGW, कुछ ऐसी अंडरगर्ल गैंग वॉर्स के साथ टाइप का यहाँ पर गेम देखने को मिलता है। इंडिया के अंदर बनाया गया है, प्री रजिस्ट्रेशन चालू है, 2 GB के आसपास का गेम साइज़ होने वाला है इस गेम का। इंडिया के अंदर बनाया गया है, फौजी जैसा नहीं होगा, टेंशन मत लो यार, फौजी टाइप का गेम नहीं देखने को मिलने वाला है हमें। बहुत अच्छी यहाँ पर ट्रेलर भी रिलीज़ की गई है इस गेम की, प्री रजिस्ट्रेशन चालू है, डाउनलोड कर लेना रजिस्ट्रेशन करके, बाद में आराम से आ जाएगी ये गेम। तो 6th पोजीशन में यहाँ पर तुम लोगों को गेम देखने को मिलती है, वो है अपना जो मैंने बात की थी वाइल्ड रिफ्ट के बारे में, लीग ऑफ लेजेंड्स। ये बहुत तगड़ी गेम होने वाली है यार, एरिना ऑफ वेलोर के बाद ये भाई बहुत अच्छी गेम होने वाली है। एरिना ऑफ वेलोर के बारे में तो जानते ही होगे, 2 GB के अराउंड साइज इस गेम का होने वाला है, बहुत तगड़ा यहाँ पर 5v5 का एक्शन यहाँ पर तुम लोगों को देखने वाला है, देखने को मिलने वाला है इस गेम के अंदर। ये PC में थी ऑलरेडी यहाँ पर, अभी इसको मोबाइल में रिलीज़ किया जा रहा है, बहुत अच्छी यहाँ पर तुम लोगों को गेम तुम लोगों को प्रोवाइड की जाएगी यहाँ पर रियोट गेम्स के तरफ से, बहुत अच्छी गेम तुम लोगों को मिलने वाली है।
और यहाँ पर तुम लोग कैरेक्टर डेवलपमेंट वगैरह भी देख सकते हो। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को भी ऑल सेट कर लेना, क्योंकि मैं एंटरटेनमेंट वीडियोस भी लाता रहता हूँ। हर तरह की वीडियोस तुम लोगों को गेमिंग चैनल पे मिलने वाली है हमारे चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लेना जरूर। पाँचवें नंबर पर जो मैंने गेम रखी है 5th पोजीशन पर, वो उसका नाम है यहाँ पर एपेक्स लेजेंड को मैंने थोड़ा सा डाउन पर रखा है 5th पोजीशन पर, इसलिए क्योंकि यहाँ पर पी सी में तो रॉक कर दी इस गेम ने, मोबाइल में अभी पता नहीं, मोबाइल में अराउंड 2023 के आसपास ये गेम ब्रॉक कर जाएगी। मेरे को पता है यहाँ पर बहुत अच्छी गेम है ये, पीसी में बहुत तगड़ी गेम देखने को मिली थी, ये मोबाइल में भी अच्छी गेम देखने को मिली है, पर यहाँ पर 6GB रैम वालों को ही खेलने को मिलता है 8GB वालों को, तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज यहाँ पर तुम लोग को देखने को मिलता है। तो 6GB वाले ज़रूर ट्राई कर सकते हैं इस गेम को, ज़रूर ट्राई करना। टेंसेंट के बाद यहाँ पर बहुत अच्छी गेम यहाँ पर तुम लोग को देखने मिलती है फ्री फायर वगैरह के बाद में। 4th पोजीशन पर जो मैंने गेम रखी है डिज्नी मिररवर्स, इस गेम को बहुत अच्छा डिज़ाइन किया गया है, अलग टाइप का कॉन्सेप्ट रखा गया है। कबम को तुम लोग जानते होगे, कबम यहाँ पर मार्वल की गेम बनाई थी उन लोग ने, और ऑप्टिमस प्राइम वगैरह ट्रांसफॉर्मर्स की गेम बनाई थी, यहाँ पर ये दोनों ही गेम अच्छी देखने को मिली थी, और अभी तीसरी गेम भी बहुत अच्छी देखने को मिली है, दूसरे टाइप का कॉन्सेप्ट तुम लोग को देखने को मिलता है। अगर इस गेम को ट्राई करना है ना भाई, ज़रूर ट्राई करना यार, यहाँ पर डिज्नी फैंस के लिए भी अच्छा यहाँ पर गेम देखने को मिल रहा है। 3rd पोजीशन पर जो मैंने गेम रखा है उसका नाम है ये ग्राइड ऑटो स्पोर्ट्स, बहुत अच्छी यहाँ पर तुम लोग को गेम है देखने को मिलती है, पर यहाँ पर ये पेड गेम है, अगर तुम लोगों को डाउनलोड करना है तो फिर तुम लोगों को पैसे वगैरह लगेंगे, मतलब पैसे एब्सोल्युटली लगेंगे, क्योंकि मतलब यहाँ पर स्टार्टिंग में तुम लोगों को एक गाड़ी फ्री में मिल जाएगी चलाने के लिए, पर बाद में तुम लोगों को कुछ भी फ्री में नहीं मिलने वाला है, पैसे लगाना पड़ेगा। पैसे लगाने वालों के लिए बहुत अच्छी गेम यहाँ पर तुम लोगों को देखने को मिलती है। कार एंथुसियास्ट हो तो फिर यहाँ पर पैसे लगाने को भी तैयार हो तो फिर तुम लोग ये गेम जरूर ट्राई करो यार, बहुत अच्छी गेम है। मैं इसके बारे में कितने भी रिव्यूज़ दे दूँ बहुत कम है यार। 2nd पोजीशन में जो मैंने गेम रखी है उसका नाम है वैलोरेंट मोबाइल 2023-24 तक अच्छा खासा रॉक करेगी। 1st पोजीशन पे जो गेम है उसने 2022 में ऑलरेडी रॉक करके रखा है और बूम करके रखा है, इसलिए मैंने उसे 1st पोजीशन पे रख दिया है। वैलोरेंट मोबाइल यहाँ पर एब्सोल्युटली 1st पोजीशन पे होती है अगर वो गेंशिन इंपैक्ट नहीं होती, तो फिर यहाँ पे 4GB के अराउंड इस गेम का साइज़ देखने को मिलने वाला है तुम लोग को, बहुत अच्छी यहाँ पर गेम देखने को मिलने वाली है। इसका पहले से इंडिया के अंदर हाइप क्रिएटेड है, हर जगह यहाँ पर इसका बूम कर चुकी है गेम, पीसी में ऑलरेडी अवेलेबल है, मोबाइल में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस गेम को खेलने में मोबाइल में भी, तो डाउनलोड जरूर करना, अगर आएगी तो प्री रजिस्ट्रेशन कर लेना। 1st पोजीशन पर जो मैंने गेम रखी है उसका नाम है गेंशिन इंपैक्ट, जैसे मैंने बताया 14GB के अराउंड इस गेम का साइज़ है, बहुत तगड़ी गेम, एनिमेशन टाइप एनिमे के टाइप की गेम है, मतलब यहाँ पर कैरेक्टर्स वगैरह तुम लोग देख सकते हो एनिमे टाइप के, HD टाइप की ग्राफिक्स देखने को मिलती है। 6GB के अराउंड तुम लोग का फोन होना चाहिए, रैम बहुत अच्छी यहाँ पर तुम लोग को गेम देखने को मिलती है। अगर तुम लोगों को इस गेम को ट्राई करना है तो ज़रूर ट्राई करना, 6GB के अराउंड तुम लोग को रैम लगेगा, तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना। तुम लोग का भाई तुम लोगों के लिए जी सीरीज वगैरह भी रिलीज करने वाला है कुछ टाइम बाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के।